जैन समाज के लोगों व शिक्षक संघ ने पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय को दिया ज्ञापन। आज दिनांक 16 सितंबर 2022 को गुरसराय निवासी जैन समाज के लोगों ने पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदया आभा सिंह को ज्ञापन देते हुए अवगत कराया कि दिनांक 24 अगस्त 2022 को शाम करीब 6:30 बजे लेखपाल रोहित वीर, जो गुरसराय में डॉक्टर डीआर सिंह के पीछे निवास करते हैं, उनके पास में अपनी महावीरिया की जमीन नपवाने के संबंध में गया। लेखपाल ने सुविधा शुल्क के रूप में 2000 की मांग की। जब मैंने नाजायज रुपया देने से मना किया तो लेखपाल रोहित वीर व लेखपाल धीरज अहिरवार क्षेत्र लखावली एवं उनके साथ मौजूद चंद्र प्रकाश निवासी कुमरिया ने नशे में मेरे साथ अभद्रता व गाली गलौज करते हुए बोले कि तुझे 2000 देना ही पड़ेगा, अन्यथा तेरे ऊपर झूठा मुकदमा हरिजन एक्ट का लिखा देंगे। मेरे साथ अजय प्रकाश यादव एडवोकेट थे, इन्होंने भी अपना खतरा मांगा। उनसे भी नाजायज रुपयों की मांग की गई, जिसकी शिकायत प्रार्थी ने थाना गुरसराय में की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा मेरे ही खिलाफ हरिजन एक्ट का मुकदमा दर्ज करा दिया है। प्रार्थी ने पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदया से झूठा मुकदमा खारिज कराए जाने की मांग की। इस मौके पर उत्तम चंद जैन, प्रभात कुमार जैन, योगेश जैन, राजू जैन, सुनील जैन, रवि कुमार जैन मौजूद रहे। आज आप गरोठा में क्षेत्राधिकारी महोदय के आप किस समस्या का ज्ञापन देने आए हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र अग्रवाल है। मेरे खिलाफ फर्जी केस दर्ज हुआ है लेखपाल धीरज अहिरवार द्वारा। जी, उसी संबंध में सीओ साहब के पास आए थे मिलने के लिए, बताने के लिए संज्ञान में सच्चाई क्या है। अच्छा अच्छा, तो आप पेशे से क्या है? मैं अध्यापक हूँ। आपका वो कहाँ से आए हैं आज गरोठा क्षेत्राधिकारी के यहाँ, किस संबंध को समस्या को लेकर के आए हैं? मेरा नाम योगेश कुमार जैन है, मैं सकल दिगंबर जैन समाज गुरसराय की कमेटी का सदस्य हूँ और मेरे अध्यक्ष के खिलाफ एक SC ST का मुकदमा दर्ज कराने की झूठी प्रयास किया जा रहा है। उसी संबंध में मैं आज सीओ साहब से मिलकर अपने समाज का, अपने अध्यक्ष का पक्ष रखने के लिए आया था। तो क्या कौन लोग फर्जी मुकदमा लिखा रहे हैं? एक लेखपाल साहब हैं। एक्चुअली हमारा एक महावीर भवन, महावीर उद्यान के नाम से जैन समाज की एक जमीन बाड़ा है जी। उसकी नपाई के लिए हमारे अध्यक्ष जी उनके पास गए हुए थे, उन्होंने ही बुलाया था। एक्चुअली पहले उन्होंने दोपहर को बात की तो उन्होंने कहा कि शाम को आके बात करना, तो शाम को आके बात की तो वहाँ जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि वहाँ वो शराब पी रहे थे, वो शराब के नशे में उन्होंने उनके साथ अभद्रता की और विरोध करने पर थोड़ा सा उन्होंने आपसी तकरार हुआ और वो चले आए हमारे अध्यक्ष जी। बाद में उन्होंने उस पर वो SC ST का मुकदमा दर्ज कराने का। अब क्या चाहते हैं, अब क्या आश्वासन दिया है? निष्पक्ष विवेचना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि भाई ये तो ऐसी कोई घटना, हम तो व्यापारी लोग हैं, सामाजिक कार्य हेतु वहाँ गए हुए थे, वो समाज के ही काम से गए थे और जो मुद्दा है उसको अपना सही विवेचना के आधार पर ये SC ST ना लगाई जाए, क्योंकि सामाजिक लेवल पे भाई हम जैन समाज के लोग हैं तो लड़ाई झगड़ा का कोई हमारा कोई प्रयास कभी रहा ही नहीं ना, तो ऐसा उद्देश्य है।